जैसे स्टूल है, स्टूल का दाम, स्टूल का पड़ेगा 550। अच्छा अच्छा नमस्कार, duarschitra.com में आप सबों का स्वागत है। दर्शक वृंद, आज हम लोग उपस्थित हैं अलीपुर द्वार जिला के ये बारोबिसा और कामाख्यागुड़ी के बीच NH 31 हाईवे पर। यह एक देख रहे हैं आप सबों के सामने, यह एक बेंत की सामग्री, विभिन्न तरह की इसमें कुर्सी है, झूला है और भी कई सारे सामान हैं। तो हमारे बीच ये दुकान के अभी जो मालिक हैं उपस्थित हैं, सुदीन देवनाथ महोदय। ये देश के कई सारे राज्यों में ये जो मेला लगते हैं उसमें घूम चुके हैं और बंगाल के प्रत्येक ज़िले में ये मेला कर चुके हैं। वो सरकार के तरफ से सरकार उन्हें TADA साथ ही बहुत सारे चीज़ मुहैया कराई है, फैसिलिटी जो देनी है। आइए, स्वागत है आपका। नमस्कार, अभी सुदीन देवनाथ। आपका नाम सुदीन देवनाथ? सुदीन देवनाथ। आपका उम्र कितना है? 51 साल। आप ये व्यवसाय कितने दिन से चला रहे हैं? व्यवसाय मोटा मोटी हमें करे जा प्रयास के प्राय 35 वर्ष। 35 सालों से ये व्यवसाय में जुड़े हुए हैं। आप ये जो सामान तैयार करते हैं, अच्छा, इसका जो ये माल है कच्चा माल कहाँ से लाते हैं? कच्चा माल तो बारोबिसा में है, गोडाउन है, सिलीगुड़ी में भी है। अच्छा, वहाँ से बेच लेके हम लोग घर में माल बनाता है। अच्छा, और हम सर एग्जीबिशन मेला भी करता है, यूपी बिहार झारखंड विभिन्न प्रांतों में मेला किया है, डिजनीलैंड मेला। तो ये साल ममता दी जब हमारे राज्य में आया है उसी समय में बंगाल में हर जिला जिला में पश्चिमबंग राज्य हस्तशिल्प मेला होता है, उसी मेला में हम लोग माल लेके बिक्री बाटा करता है। तो लॉकडाउन के कारण मेला बंद है 2 साल से। हम लोग अभी 31 नंबर रूट पर टेलीपारा टूल गेट के सब बगल में ही दुकान लगाया है, 1 साल हो गया। अब थोड़ा बहुत कुछ हो रहा है। अच्छा, लॉकडाउन खुलने के बाद थोड़ा बहुत अब लोग व्यवसाय चल रहा है, सब बाहर बाहर माल जाता है। लॉकडाउन के बाद से आप लोगों का काफ़ी प्रभाव पड़ा है? हाँ, प्रभाव बहुत पड़ा है। अच्छा, आपके दुकान में क्या क्या चीज़ मिलता है? सिर्फ बेत का सुबह सेट है, विभिन्न डिजाइन का है, सब माल अभी दुकान में नहीं है। अच्छा, लेकिन ऑर्डर देने से बहुत डिजाइन है, हमारा कैटलॉग भी है। सुबह सेट, झूला, सिंगल चेयर, अच्छा, बांस का भी थोड़ा कुछ आइटम है। सुपर सेट का क्या बजट आ जाएगा? सुपर सेट मिनिमम 12,000 से लेके मैंने 4,000 से लेके 12,000 तक, 20-25,000 तक सुबह हुआ है। अच्छा अच्छा, 4,000 से शुरू है? 4,000 से शुरू है। अच्छा, और ये झूला जो है? झूला आपका 1,800, 2,000, 2,500, 3,000 ऐसा। अच्छा अच्छा, 1,500 का भी है। अच्छा अच्छा, मतलब जिसे सामान बनेगा मटेरियल्स के ऊपर बनाने के ऊपर दाम होता है। अच्छा अच्छा, स्टूल है 500-550-700 रुपया भी एक वन पीस, एक पीस का है। अच्छा, और इस तरह के व्यवसाय में अगर कोई नया आदमी आना चाहे तो आप क्या सलाह देंगे? नहीं, नया आदमी अगर कोई करेगा काम तो उसके लिए मेरे उसके लिए अच्छा है, हमारा भी अच्छा है। अच्छा, जो शिल्पी हमारे राज्य में बढ़ेगा, संसार चलेगा, काम करने के लिए सुविधा तो सबको मिलना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है, इधर हमारा है डिस्ट्रिक्ट के लोग बाहर राज्यों में काम करने के लिए जाता है, हस्तशिल्प के ऊपर मतलब उद्योग नहीं देता है काम करने के लिए। ये अपना बिजनेस है, अपना धंधा है, खुद माल बनाओ, खुद बेचो, कस्टमर को डायरेक्टली बेचो। तो एक शिल्पी का एक डिमांड होता है। अच्छा, हर आदमी हर रकम चिंता भावना से चलता है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ इनकम नहीं है। जो काम करने के बाद जो मजदूरी है 300-400 रुपया पर डे मजदूरी बस मिलता है, माल बनाने का मजदूरी वही रहता है, महीने में 15,000-16,000 आ जाता है। अगर नया युवा पीढ़ी, जो नया युवा है अभी तो काफ़ी बेरोजगारी का अवस्था है, अच्छा, तो अगर सीखना चाहे इस तरह का काम? नहीं, तो सीखना अगर कोई चाहे तो सरकार तरफ होगा वो सीखने से, सरकारी की तरफ से। और ऐसे कोई सीखना चाहे तो? ऐसे अगर मेरे पास कोई आएगा सिखाएगा, और आप सिखाएंगे? अच्छा, दर्शक बिंद, आप लोगों ने देखा कि सुदीन देवनाथ महोदय ने कहा कि जो भी नया जो युवा हैं इस हस्तशिल्प के तरफ अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग सीखने के लिए आ सकते हैं। आपका एड्रेस बोल दीजिए। मेरा एड्रेस है अलीपुर द्वार 2, 2 नंबर ब्लॉक, जसुडंगा टटपरा में मेरा घर है, और दुकान यहाँ पर है। काम अगर सीखना होगा तो यहाँ पर ही आना पड़ेगा। दुकान का एड्रेस बोल दीजिए। टेलीपारा टूल गेट का बगल में दुकान। अच्छा, आपका मोबाइल नंबर बोल दीजिए। 70-47-82-62-90। अच्छा, एक ग्राहक आए हुए हैं, आपका नाम? मेरा बैजू यादव। बैजू यादव, तो यहाँ क्या ले रहे हैं आप? ये बच्चा वाला कुर्सी ले रहे हैं। बच्चे का कुर्सी ले रहे हैं। आप लोगों के सामने अभी हम लोग जब ये कर रहे थे
इंटरव्यू उसी वक्त ये चेयर लेने आए हैं। देखिए आप चेयर तो बोलिए ना या बेत सुना हो गया अभी नाम ठीक है। लॉकडाउन में सबका व्यवस्था वैसा ही हो गया है ना, आप लोग को तो मालूम है रूट में आप लोग हरदम चलता है। एक जमाना में तो ऐसा इतना दाम नहीं है, बोला है कि जो सामान है हाँ उनके आप रेट बताएं। जैसे प्लेन सेट है हाँ, ये चार चेयर होगा एक टेबल होगा हाँ हाँ, इसका मूल्य है मोटा मोटी 3000। 3000 है, निगोशिएट किया जा सकता है, है। अच्छा, और ये जो झूला है ऊपर, झूला का 2000 रुपया, 2000 है, 2000 का भी है। अच्छा, और 2500 का भी है, 3000 का भी है। अच्छा अच्छा, और ये बच्चों का झूला वो बच्चों का झूला, बच्चों का झूला 1500। अच्छा, और ये छोटे बच्चों का कुर्सी, छोटे बच्चों का कुर्सी 500 रुपया पीस। 500 रुपया पर पीस। अच्छा, और जो टेबल है ये सिंगल टेबल लेना हो तो सिंगल टेबल 600-700 रुपया पड़ेगा। 600-700। जैसे स्टूल है, स्टूल का दाम, स्टूल का पड़ेगा 550। अच्छा अच्छा, अभी दर्शक वृंद अभी एक हम लोगों ने यूनिक चीज़ देखा जो अभी विलुप्त हो चुका है, ये इसका नाम क्या है? ये तो मुरा है। मुरा है, अभी ये बाज़ार में पहले के गाँव घरों में ये चीज़ मिलता था, अब ये बिल्कुल बंद हो चुका है। लेकिन यहाँ हम लोगों ने काफ़ी दिनों के बाद हमने देखा है, ये बचपन में इसको हम लोग इस्तेमाल किया करते थे। इसका क्या प्राइस है? इसका 400 रुपया। 400 रुपये प्राइस है, तो बड़ा साइज है। अच्छा अच्छा, और ये जो लैंप हैंगिंग, हैंगिंग लैंप हाँ 220 रुपया, 220 रुपया का है। अच्छा अच्छा, आपके और दुकान में क्या क्या सामान मिल सकते हैं? यही तो सोफा सेट है। सोफा सेट का क्या रेंज है? ये जो बाहर जो सोफा सेट लगा हुआ है, ये बाहर जो सेट है सेट का आपका रेट पड़ेगा 10,500 का पूरा सेट। 10,500? हाँ, 10,500 का, और ये वाला 4,000 का है। वो 4,000 का है, 2 सीटर है। अच्छा, एक सोफा, 2 चेयर होगा, 1 टेबल होगा। अच्छा अच्छा, जैसे ये झूला है 2500 रुपया। 2500 का है। अच्छा, ये सब दाम निगोशिएबल है? हाँ हाँ, कम बेसी हो सकता है जब हाँ, का। अंदर का जो डिजाइनर जो ये सोफा है, जैसे जैसे ये सोफा है हाँ, ये एक सोफा 3 आदमी बैठने वाला, 2 सिंगल है हाँ, एक सेंटर टेबल है हाँ, हाँ। माल तो झाप में रखा हुआ है हाँ, में देखने से अच्छा होता है। इसका क्या रेट है? इसका सेट पर जाएगा 14,500 पूरा सेट। 14,500 पूरा सेट है। जैसा ट्रे है हाँ, ट्रे का क्या प्राइस है? ट्रे का पड़ेगा आपका ये 150 रुपया, छोटा ट्रे, ये 170 रुपया, 170 रुपया चाय टिफिन देने के लिए। और ये हैंडबैग का, छोटा हैंड बैग 200 रुपया का है। 200 रुपया, 200 का है, 250 का है, 150 का है, 100 का है। अच्छा अच्छा, और ये फूल सजाने वाला, ये फूल लगे आपका 200 रुपया, फूल के साथ 200 रुपया। 200 रुपया। अच्छा अच्छा, ठीक है। इधर दर्शक बिंद अभी हम लोगों ने देखा ये जो सामान है, और भी कई सारे सामान हैं, हम लोग अभी दिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये इनका मतलब छोटा सा दुकान है और इनका गोडाउन में और सारे सामान है। तो आप लोगों को कभी भी कोई चीज़ लेना हो तो ये बारोबिसा से कमाख्यागुड़ी के बीच तेलीपाड़ा टोल गेट है, टोल गेट के एकदम बिल्कुल ही पास में NH 31 के बगल में पूरब साइड में यह दुकान है सुदीन देवनाथ जी का। और आप लोगों को कोई भी चीज़ लेना हो और किसी भी युवा साथी को अगर इस तरह का हस्तशिल्प का काम सीखना हो तो आप लोग इनके साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम लोग डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर हम लोग दे देंगे। धन्यवाद।